साथ एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी जो मुझे कुछ दिन पहले मेरे एक व्यूअर ने भेजी है। एंड यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 5 दिनों के अंदर अपने डिज़ायर्स को, अपने विशेज को मैनिफेस्ट किया। विशेज दैट मीन्स के मल्टीपल विशेज को उन्होंने 5 दिन के अंदर मैनिफेस्ट किया। ये सक्सेस स्टोरी है 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक की। एंड ये स्टोरी मुझे मेरे व्यूअर सतीश ने भेजी थी। एंड उन्होंने एक तो अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की थी, और दूसरी उनको अपनी लाइफ में है ना, मतलब अपना जो अपीरेंस है उसको बेटर बनाना था, बिकॉज उनका जो वेट था वो ओवरवेट थे, तो उनको अपने वेट को थोड़ा यू नो लूज़ करना था, वेट लूज़ करना था उनको, एंड अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करना था। अब ये दोनों चीज़ें है ना, मतलब इम्पॉर्टेंट होती है सबकी लाइफ में, उनकी लाइफ में भी ये दोनों डिज़ायर इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे इस वक्त कि उनको वो कब कैसे भी करके मैनिफेस्ट करने थे। एंड उन्होंने 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ किया। शायद अगर वो कोई और टेक्निक यूज़ करते तो भी उनको सक्सेस मिलते, बिकॉज हमारा इंटेंशन स्ट्रांग होता है ना, हमारा माइंड सेट पॉजिटिव होता है ना, हम एक्शंस लेते हैं ना, तो हम उन विशेज़ को, डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे 555 मैनिफेस्टेशन को यूज़ किया है, इसलिए मैं ये सक्सेस स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो अपने आप को थोड़ा यू नो डिटैच कर दिया, मतलब कि क्योंकि जब तक कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती तो हम कितना मतलब उस चीज़ के लिए वरीड होते हैं, डाउट्स करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं ना, तो उन्होंने वो सब सोचना बंद कर दिया एंड सिर्फ इतना ही उन्होंने फोकस किया कि उनको ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। तो एक क्लियर माइंड के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उन्होंने 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ किया, मतलब स्टार्ट किया। एंड उन्होंने ये अफर्मेशन लिखना स्टार्ट कर दिया कि आई हैव मैनिफेस्टेड माई ड्रीम जॉब, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। और आई एंड दूसरी जो अफर्मेशन वेट लॉस की थी, तो उन्होंने वहाँ पे अपना जो आइडियल वेट है 70 kg उनको रखना था, तो वो उन्होंने लिखा कि आई एम 70 kg, थैंक यू यूनिवर्स, बस इतना ही, ठीक है। अब इन्होंने ये अफर्मेशन डेली लिखी 55 times फॉर 5 consecutive days। एंड यू वॉन्ट बिलीव गाइस, सिर्फ एक हफ्ते के बाद, मतलब 5 दिन और दूसरे 2 दिन, मतलब नेक्स्ट वीक ही उनको जॉब ऑफर मिली। एंड जो वेट लॉस की बात करते हैं तो वहाँ पे उनका सिर्फ 0.5 kg, देखिए बहुत तो ऐसा कुछ मिरेकल नहीं होता ना, मतलब एकदम से 10 kg एक हफ्ते में ख़त्म हो जाए, लेकिन उनका 0.5 kg वेट भी लूज हुआ। तो ये एक साइन मिला कि ये ऐसी चीज़ काम करती है, ठीक है। तो अगर उनका इस तरह से 1-2 महीने में अगर यू नो 2-4 kg उनका वजन, उनका वेट कम हो जाए, देन उनको बहुत ही जल्दी यू नो अपना जो डिज़ायर्ड वेट है वो मिल जाता। उनका जो करंट वेट था ना वो 87 था, ठीक है। तो जॉब ऑफर भी मिली एंड वो जॉब ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट भी की एंड उनका वेट लूज होना भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ उनके लिए बिल्कुल काम कर गई। तो 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक ने वर्क किया, ये भी कह सकते हैं, बट मैं आपको फिर भी यही कहूँगी कि आप टूल्स या टेक्निक्स के बदले अपने एनर्जी, अपने माइंडसेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। तो टूल्स के ज़रिए आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो एक ज़रिया है, ठीक है, ताकि आप कंसिस्टेंट रहें, आप डिसिप्लिन में रहें, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जी एंड आपके बिलीव्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल बनेंगे। तो ये छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे शेयर करनी थी, एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीक में एटलीस्ट 4-5 सक्सेस स्टोरीज तो बिल्कुल शेयर करूँ, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज बहुत ज़्यादा यू नो मोटिवेट करती है, आपके बिलीफ को, फेथ को यू नो और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आई ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज शेयर करती रहूँ, ठीक है। तो बस आज का वीडियो यही था, आई होप आपको ये वीडियो, ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।